सच कह रहे हो? हाँ सच में। हाँ? अरे सुनियो, क्या हुआ सुनियो? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। बुरा सपना? कैसा सपना? असल में गाना गाना चाहता है? साथ मिलकर गाना। मैं बताता हूँ, एक कैरियोके कॉन्टेस्ट। मॉम डैड हिस्सा लेने वाले थे पर वो बिजी हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जीतने पर हॉट स्प्रिंग्स बार जाने को मिलेगा। तो बताओ फिर, तुम में से कौन मेरे साथ गाना चाहेगा? मैं बिल्कुल नहीं। बढ़िया सुनियो, लगता है तुम्हारा ये करने का मन है। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। जी प्लीज शिजुका को ले जाओ, ये बहुत अच्छा गाती है, मेरी बात सही लग रहा है। सुनियो ने कल एक सपना देखा जिसमें कैरियोके कॉन्टेस्ट था, और पता है वो तुमसे जीत गया था जियान, और तुम हार गए थे। क्या ये सच है सुनियो? नहीं नहीं जियान, ये तो मजाक कर रहा है। मैंने सोच लिया है, अरे नहीं, तुम ही मेरे साथ अच्छे रहोगे। चलो प्रैक्टिस करने चलते हैं सुनियो, चलो जल्दी करो। क्या ये भी बुरा सपना ही है? और अब तुम्हारी वजह से ये सपना सच होने वाला है नोबिता। इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं हूँ राजकुमार, मैं हूँ राजकुमार। गलत कर रहे हो। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिर्फ जियान को ही पता होगा। वैसे जियान के साथ गाना गाना कुछ मुश्किल लगता है, इस बारे में तुम क्या कहते हो? मुझे तो सुनियो, हमने तो तुम्हारे सपने में एक साथ गाना गाया था ना, क्यों ना वही गाना गाए? वो सपना था जियान, और सपना मुझे याद नहीं। मत करो, मैं कोई तरीका निकालता हूँ जिससे तुम सो जाओ और अपने सपने का गाना याद कर सको। चांद, क्या तुम्हें याद आ रहा है? तो एक बार और। पता नहीं सुनियो ठीक होगा या नहीं डोरेमोन। मुझे नहीं पता, वो दोबारा वो सपना कैसे देख सकता है? क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? शायद मेरे पास कुछ है। इस सीढ़ी की मदद से उसके सपने में घुस सकते हैं क्या? इसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि सुनियो ने कल सपने में क्या देखा था। पहुँच गए, चलो शुरू करें। इसके सपने पे सीढ़ी लगाएंगे कैसे? हमें उसको सपने में लगाना होगा, इसीलिए सबको सोना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में इतना मत सोचो। मुझे तो नींद आ रही है। वो तो हमेशा आती है। तो चलो नोबिता के सपने को देखते हैं। देखता हूँ नोबिता क्या कर रहा है। डोरेमोन, तो क्या ये तुम्हारा सपना है जिसमें हम चल रहे हैं? तुम सपने में भीड़ देख रही हो। इतनी सारी बातें मत करो, चलो चलते हैं। रुको, वो वहाँ चला गया। बचाओ, चलो पीछे चले। जी हाँ, तो आ रहे हैं एक गोरिल्ला और एक फॉक्स। ये तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आ रहा हूँ। जो भी हो तुम्हारा मेरा होके रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। नहीं कोई बात नहीं। वैसे ये गाना बहुत ही बुरा है। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ हाँ काश जैको दुकान का ध्यान रख रही है तो सब ठीक ही रहेगा। मॉम आप देखना कि इस बार छुट्टी में आपको हॉट स्प्रिंग में जाने का मौका मिलेगा। मैं आपके लिए इतना करना चाहता हूँ मॉम। जान इतना भी बुरा नहीं है। कहा वो अच्छा करने के चक्कर में हमें क्यों फंसा रहा है। हे दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है। हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। बदकिस्मती से। अच्छा जरा मुझे सुनने दो। अरे हेलो घोड़ा स्टोर से बोल रहा हूँ। अरे आपको अभी तक सामान नहीं मिला। हाँ हाँ मैं समझ गया। जी जी भेजता हूँ अभी। कैरियोके कॉन्टेस्ट कैंसिल है। क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ जियान। आज सामान पहुँचाने वाला लड़का नहीं आया तो हमारे ग्राहकों तक वक्त पर सामान पहुँचाना जरूरी है। फिक्र मत करो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल तैयार हो जाओ। चलो चले। अरे जियान तुम इसे छोड़ गए। रुको मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। मैं तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना भी नहीं चाहता था। खैर जो हुआ अच्छा हुआ। अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं कहाँ होंगे। हेलो घोड़ा स्टोर मदद चाहिए। क्या आपका सामान यही है। सामान वहाँ देना है। मिल गया। ये कहाँ जाएगा। ये वाला इधर। ठीक है ये आखिरी वाला घर है। आखिरी घर। हम ये कर सकते हैं। नहीं नहीं कर सकते हैं। रास्ते में आते वक्त हमसे सामान खो गया है। मैं जाकर ढूंढता हूँ। माफ करना मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। जियान तुमने ये गिरा दिया था। ये लो अपना सामान वापस। सुनियो भी कैरियोके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता है जियान। हाँ जियान हम तो भाई जैसे हैं। अब उन कंटेस्टेंट की बारी है जो हम में से सबसे बड़े हैं। हम नंबर 16 तो शुरू करें। जियान ये मेमोरी गेट। तुम कर सकते हो। ये बढ़िया है। अब बस तुम्हें कॉस्ट्यूम की जरूरत है। कैमरा इसमें देखो। अरे नहीं हमें आने में देर हो गई। देर कैसे हो गई नोबिता। मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। लो हमारी बारी है। और अब आपके सामने अगली परफॉर्मेंस होगी फॉक्स और गोरिल्ला की हार्मनी। समझ ही न पाए रेडियो कंट्रोलर तोड़े जा।